एहतसाब अदालत ने पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 23 दिसंबर तक के लिए तौसी कर दी है। सात रफी को कौमी असेंबली इजलास के लिए इस्लामाबाद जाने की इजाजत भी दे दी गई। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस की समाअत की। नैब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को एहतसाब अदालत में पेश किया। अदालत ने ख्वाजा साद रफीक की दरख्वास्त पर इन्हें कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दी। इस मौके पर ख्वाजा साद रफीक ने अदालत से इस्तदा की कि ओपन कोर्ट में ट्रायल हर शख्स का बुनियादी हक है, हर कोई केस सुन सकता है। मेरे केस में वकला और रिपोर्टर्स को कमरे अदालत में नहीं आने दिया जा रहा। इस पर अदालत ने पुलिस को वकला और रिपोर्टर्स को अदालत में आने से रोकने से मना कर दिया। जज जवादुल हसन ने पुलिस से इस्तफसार किया कि अगर आप लोगों से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं संभाली जाती तो रेंजर्स को तलब कर लेते हैं। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 23 दिसंबर तक तौसी और ख्वाजा साद रफीक को कौमी असेंबली इजलास के लिए इस्लामाबाद जाने की इजाजत देते हुए समाअत मुलतवी।